ये एक युद्ध की यलगार है जिसमें एक तरफ वही पुरानी विचारधारा, किसी का कुछ न करने पर एक बहरूपिया स्वभाव, कुछ नया नहीं जानते हुए पर मुझे सब पता है का घमंड एक रंगा सियार होने का सूचक है। तो तुम नेपाल से हो? मेरे इरादों में एक शंखनाद बज रहा है, जहां तरकश में वाण तो बहुत सूझ रहे हैं पर हाथ में एक धनुष की तलाश न जाने कहां ले जा रही है। कहते हैं समय की इस धार को और धारदार कर लो, आगे जंगल घना है, कटेगा नहीं। यहां से ये एक कैप जो है वो आपके यहां से ये ताज ले रहा हूं जो मैं पूरे शो में पहनूंगा। बहुत सही हो रहा है और आज जैसे कि दिलीप दादा ने एक मुकुट दे दिया है तो इसे हम लोग पूरे रास्ते में और पूरी जर्नी में रखेंगे अपने सर पे और हो सकता है गोवा का गुड लक हम लोगों को अलग लेवल पे ले जाए। वेरी होपफुल। कब से कर रहे हो आप ये? अभी मेरा हुआ 3-4 साल हुआ। 3-4 साल हुआ। किसी का कस्टमर से बात कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, ज़्यादातर फॉरेनर्स से ज़्यादा इंटरेक्ट होती है हमारी। अच्छा, तो आप मतलब इंग्लिश फ्लुएंटली जानते हो और कोई भाषा जानते हो कि इंग्लिश? मलयालम जानती हूँ, इंग्लिश जानती हूँ, हिंदी जानती हूँ, फिर हमारा लोकल लैंग्वेज है बंजारा कर्नाटक में। अच्छा, यू फ्रॉम कर्नाटका? आपका स्टाइल लोग देखें, माता जी यहाँ बैठती है उनके पास जाओ, बोलेंगे हाँ यही बोल रहे हैं, ये माता जी यहाँ बैठती हैं अंजुना पे और आपको आके इनसे मिलना चाहिए। फोटो का पैसा है। गुड बाय।